हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएएस प्री एग्ज़ाम 2019 के पेपर जनरल स्टडी के लिए मॉक टेस्ट की। देखिए, इस मॉक टेस्ट में हमने जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वे सभी एचएएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंक्लूड किए गए हैं, और 25 अप्रैल को होने वाले एचएएस के एग्ज़ाम में जितने भी कैंडिडेट अपियर होने वाले हैं उन सभी के लिए ये मॉक टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, इसके अलावा एचपीपीएससी और एचपीएसएससी के द्वारा आने वाले समय में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे उनके लिए भी ये मॉक टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस दर्रे को शिंगोला के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जास्कर दर्रा। और जास्कर दर्रा कहाँ स्थित है? जास्कर दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला परंपरागत ऊनी वस्त्र दोहड़ू किस जिले से संबंधित है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है किन्नौर। हिमाचल प्रदेश में कहां और किस जिले में सन 2011 में बर्फानी तेंदुआ केंद्र स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार ने 80 लाख रुपए अनुमोदित किए? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है किब्बर लाहौल स्पीति में। सन 1985 ईस्वी में किस देश की तकनीक के उपयोग द्वारा पालमपुर में मशरूम विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया था? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डच। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नए संविधान के तहत हिमाचल प्रदेश को पहली बार चुनाव में भाग लेने का अवसर कब मिला? तो देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है और मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1952। हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2017-2018 में परिवहन क्षेत्र का कुल अनुमोदित योजना परिवह कितना था? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1073 करोड़। हिमाचल प्रदेश का कितना क्षेत्र वनों के अधीन आता है एवं यह इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 37,033 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज में बात करें तो 66.52%। रोहतांग दर्रे का पुराना नाम क्या है? तो देखिए, रोहतांग दर्रे का पुराना नाम है भृगु तुंग। निम्न में से किस नदी को कृषि भूमि में भीषण हानि पहुंचाने के कारण स्थानीय लोग दुखों की नदी के नाम से पुकारते हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वा नदी। निम्न में से कौन सी झील चंबा जिले में स्थित नहीं है? देखिए, महाकाली झील चंबा जिले में स्थित है, चमेरा झील चंबा जिले में स्थित है, लामा झील चंबा जिले में स्थित है, लेकिन डल झील चंबा जिले में स्थित नहीं है, डल झील कांगड़ा में स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डल झील। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। तो देखिए, 1896 के अधिवेशन में जो है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो देखिए, 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और इसके अलावा राष्ट्रीय गीत के बारे में आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सर चार्ल्स मेटकाफ। सर चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो है प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापिस कर दी थी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इसके विद्रोह में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापिस दे दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा कब दी गई थी?
तो देखिए, अंग्रेजों द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि 1915 को दी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1191 ईस्वी। 1191 ईस्वी के दौरान मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। भारत में सती प्रथा किस वर्ष खत्म कर दी गई थी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1829 ईस्वी के दौरान भारत में सती प्रथा खत्म कर दी गई थी। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 57 ईसा पूर्व। और विक्रम संवत क्या है? तो देखिए, विक्रम संवत हिंदू पंचांग में समय गणना की प्रणाली का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ह्यून संघ भारत कब आया था? तो देखिए, ह्यून संघ 629 और 645 ईस्वी के दौरान भारत आया था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। और ह्यून संघ के बारे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि ह्यून संघ कौन थे? तो देखिए, ह्यून संघ प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु थे, और किस राजा के शासनकाल के दौरान ह्यून संघ भारत आए थे? तो देखिए, ये हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारी भी आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभक्त था? तो देखिए, उस दौरान पश्चिमोत्तर भारत 28 राज्यों में विभक्त था। और सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो देखिए, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व के दौरान आक्रमण किया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस बौद्ध धर्म के अनुसार भारत में 16 महाजनपद विद्यमान थे? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अंगुतार निकाय। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की तटरेखा की लंबाई कुल कितने किलोमीटर है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 7,516 किलोमीटर। हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए बाब अल मंदेब। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 35 PPT। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चीन। चीन विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला पहला देश है, और दूसरे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, और भारत तीसरे नंबर पर है। तो देखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिनमें वे स्थित हैं। देखिए, सबसे पहले हम बांध की बात करें तो हीराकुंड, मेटर, महानदी, अलमाटी, और राज्य हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है, मेटर बांध तमिलनाडु में स्थित है, और महानदी बांध छत्तीसगढ़ में स्थित है, और अलमाटी बांध कर्नाटक में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, सूची 1 में दिया गया है
बांदीपुर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मानस बिहार, रोहड़ा नेशनल पार्क, और सूची दो में दिया गया है राज्य गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है और गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है, मानस बिहार असम में स्थित है और रोहड़ा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, काजुओ इशिगुरो। देखिए एचएस एग्जाम में जो है हर बार नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि 2017 और 2018 के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 2017 के नोबेल पुरस्कार विजेता, रेनर बीस जर्मनी, बैरी सी बरिश यूएसए और कीप एस थोरने यूएसए। देखिए इन सबको भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में 2017 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और जेफरी सी हॉल यूएसए, माइकल रोजबाश यूएसए और माइकल डब्ल्यू यंग यूएसए को चिकित्सा के क्षेत्र में, और काजुओ इशिगुरो जो कि जापान के रहने वाले हैं इनको साहित्य के क्षेत्र में, और परमाणु हथियारों को ख़त्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान ICAN जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थापित है इसको जो है शांति के क्षेत्र में, और रिचर्ड एच थालर जो कि यूएसए मूल के हैं इनको जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2017 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए आपको ये सभी इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं। बात करते हैं 2018 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की, तो देखिए आर्थर एशकिन, गेरार्ड मोरियू और डोना स्ट्रिकलैंड इनको जो है भौतिकी के क्षेत्र में, फ्रांसिसी एच अर्नोल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ और सर ग्रेगरी पी विंटर को रसायन के क्षेत्र में, जेम्स पी एलिसन और तसाकू होंजो को मनोविज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में, डॉक्टर डेनिस मुकवेगे और नादिया मुराद को शांति के क्षेत्र में, और विलियम डी नॉर्दहास और पाल एम रोमर को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए ये थे 2018 के नोबेल पुरस्कार विजेता, ये भी आपको याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पिकनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, घनत्व। देखिए पिकनोमीटर उपकरण का उपयोग डेंसिटी मापने के लिए किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मानव शरीर में ग्लाइकोजन संचित रहता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिक किडनी में, ग्लाइकोजन किडनी में संचित रहता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैडमियम। बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी के दौरान हुई थी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नारियल उत्पादन के मामले में विश्व में पहला स्थान किस देश का है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। और भारत का कौन सा स्थान है? देखिए नारियल उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो देखिए नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी के दौरान हुई थी, और नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवास। और देवास किस राज्य में है? देवास मध्य प्रदेश में स्थित। एग्जाम वॉरियर बुक के लेखक कौन है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। देखिए बुकों से भी जो है एचएस एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको याद रखना है कि 2018 और 2019 में जो है किन किन पुस्तकों का प्रकाशन किया गया और उनके
लेखक कौन है? देखिए ये है लिस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों की और उनके लेखक की, जो कि 2018 और 2019 में लिखी गई हैं। एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी के द्वारा, मेकिंग ऑफ अ लीजेंड विदेश्वर पाठक के द्वारा, आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन के द्वारा, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर जयराम रमेश द्वारा, गांधी इन चंपारण दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर द्वारा, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल राम कमल मुखर्जी द्वारा, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली के द्वारा। तो देखिए ये थी कुछ 2018 और 2019 में प्रकाशित महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। ये सभी आपको याद रखने, यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 111। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। तो देखिए विधान परिषद से आपको याद रखना है कि भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद हैं, और ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। देखिए ये 7 के 7 राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डाक द्वारा मतदान को कहते हैं, तो देखिए इसको परोक्ष मतदान कहते हैं। समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ भारत के किस पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त वाक्यांश था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त वाक्यांश था। भारतीय उत्पादों को इको मार्क दिया गया है जो है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पर्यावरण मित्र, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यान मार्टेल। निम्न में से किस मूवी को ऑस्कर 2019 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विलेज रॉकस्टार। हाल ही में DDRS पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। और DDRS की फुल फॉर्म क्या है? DDRS की फुल फॉर्म है दीनदयाल डिसेबल रिहैबिलिटेशन स्कीम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में SSB के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए SSB की फुल फॉर्म है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और इसके नए निदेशक के रूप में कुमार राजेश चंद्र को नियुक्त किया गया है। हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे पहले IPS महिला अधिकारी कौन है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपर्णा। हाल ही में किस राज्य में सुवर्ण बंदरगाह के निर्माण की नींव रखी गई है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। विश्व शासन सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लंदन। विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11 फरवरी को। देखिए HS एग्जाम में जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए आपको 2019 के जो है पहले 5 मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। आज की वीडियो में हमने बात की HS प्री एग्जाम 2019 में अपीयर होने वाले कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट की। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो का फायदा उठाने के लिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जब भी हम कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। यदि आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सुझाव है, और आपने जो है इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।